हेलो यूट्यूब, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। एक बार फिर स्वागत कर रहा हूं मैं आप सभी का आपके अपने ऑटो चैनल पे। दोस्तों, आज एक बड़ा वीडियो होने वाला है। बड़ा इन द सेंस लेंथ में बड़ा नहीं, लेकिन बड़ा डिस्कशन होने वाला है कि यहां पर सीएनजी ज़्यादा बेहतर रहेगा या डीजल जो है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सीएनजी फ्यूल्ड गाड़ियाँ कैसी रहेंगी आपके लिए और डीजल गाड़ियाँ कैसी रहेंगी। खैर, दोनों ही फ्यूल्स जो हैं वो अपने कम कीमतों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो कौन से टाइप की गाड़ी, कौन से फ्यूल वाली गाड़ी आपके लिए सही रहेगी और कौन से सिनारियों में सही रहेगी, इसके बारे में चर्चा होनी है आज। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, हमेशा की तरह, अगर चैनल पे नए हैं आप और ऐसे ही कार से रिलेटेड आपको और वीडियोस देखने हैं, अलग अलग नई गाड़ियों के रिव्यूज़ देखने हैं, उनके स्पेसिफिकेशन के बारे में जानना है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा कि ये दोनों ही फ्यूल्स जो हैं वो किफ़ायती होने के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। खैर, अभी की बात छोड़ दीजिए, अभी के जो डीजल के प्राइजेस हैं वो ऑलमोस्ट पेट्रोल के बराबर हो चुके हैं, लेकिन आने वाले समय में ये ज़रूर गिरने की आशंका है। तो ऑल इन ऑल, जो अब तक ट्रेंड देखा गया है, डीजल की कीमतें हमेशा से ही पेट्रोल से काफ़ी मार्जिन, बड़े मार्जिन में कम रहती है। इसकी वजह से जो ट्रांसपोर्ट वाले लोग हैं या जिनका रोज़ का डेली अप डाउन होता है, ऐसे लोग जो है वो डीजल कार्स को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर डीजल की माइलेज भी ज़्यादा है और यहाँ पर डीजल फ्यूल की कॉस्ट भी कम है। वहीं पर अब उसका जो नया उभरता हुआ अल्टरनेटिव है वो है सीएनजी। खैर, उभरता हुआ तो मैं नहीं कहूँगा, बहुत पहले से ये अल्टरनेटिव बाज़ार में मौजूद है। लेकिन सीएनजी का फिर प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि इसके अंदर पावर आपको थोड़ी सी कम मिलती है, लेकिन ये डीजल से भी सस्ता है और डीजल से भी ज़्यादा माइलेज देता है, जिसकी वजह से कई सारे जो स्पेशली जिनकी गाड़ी टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल होती है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सीएनजी को प्रेफर करते हैं। या जिन लोगों को सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा गाड़ी चलानी है, ऐसे लोगों के लिए सीएनजी जो है वो बहुत बढ़िया ऑप्शन के तौर पर सर्व करता है। तो अब इसमें से सबसे बेहतरीन कौन सा है? अब देखिए, दोनों ही फ्यूल्स के कुछ अपने मेरिट्स और कुछ अपने डीमेरिट्स हैं। तो बात सबसे पहले सीएनजी की कर लेते हैं। इसके प्रोज क्या हैं, इसके बारे में हमने अभी बात की। कम प्राइस, साथ ही साथ ज़्यादा माइलेज, ये दो इसके प्रोज हैं। इसके अलावा और एक प्रो ये है कि ये आपके एनवायरनमेंट को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है, वहीं पर डीजल बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। लेकिन कॉन्स क्या है? गाड़ी के अंदर अगर आप कंपनी फिटेड भी ले रहे हैं या बाहर से भी लगवा रहे हैं सीएनजी, तो अगर कोई छोटी गाड़ी है तो बूट स्पेस बहुत ज़्यादा खा जाती है। ये जो टंकी लगती है सीएनजी की, वो बहुत ज़्यादा बूट स्पेस खा जाती है, जिसकी वजह से सामान को जगह नहीं बचती है। अगर सेडान क्लास की भी गाड़ी है तो भी उसके बूट में कुछ ना कुछ जगह जो है वो ये टैंक, बड़ा सा टैंक आता है, वो घेरेगा ही घेरेगा। दूसरी बात यह है कि इसकी कैपेसिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती है। गाड़ी के अंदर मैक्सिमम 10 किलो सीएनजी होल्ड करने वाला ही टैंक आप लगा सकते हैं, उससे बड़ा टैंक गाड़ी में नहीं लग सकता है, जिसकी वजह से आपको रेंज जो है वो लिमिटेड मिलती है। इसके अलावा बात करूँ तो सीएनजी के जो पंप्स हैं वो बड़े बड़े सिटीज़ में ज़रूर मिलते हैं, लेकिन जैसे ही आप सिटी से बाहर जाएंगे तो हाईवेज़ के ऊपर आपको पेट्रोल या डीजल के अलावा सीएनजी के पंप बहुत ही रेयरली देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको पेट्रोल के ऊपर शिफ्ट ही होना पड़ेगा। और यही चीज़ मेरे अगले पॉइंट को भी लीड करती है कि मोस्ट ऑफ जो गाड़ियाँ सीएनजी आ रही हैं उनका इंजन जो है वो पेट्रोल के ऊपर चलने के लिए ही बना हुआ होता है। आज तक सिर्फ सीएनजी पर चलने वाले इंजन जो है वो नहीं बनाए गए हैं। इनिशियली जो इंजन गाड़ी के अंदर लगता है वो पेट्रोल के ऊपर चलने के लिए लगा हुआ है। आप उसके अंदर अल्टरनेटिव के तौर पर सीएनजी लगा सकते हैं, या वैसे कुछ मैकेनिकल चेंजेस कंपनी की तरफ से किए जाते हैं, लेकिन आखिरकार है तो वो पेट्रोल इंजन है, तो कहीं ना कहीं सीएनजी जो है वो आपके पेट्रोल इंजन के ऊपर असर ज़रूर छोड़ता है। एक तो क्या है कि जितना पेट्रोल जल्दी से जलता है और जितनी पावर देता है जलने के बाद, जितनी एनर्जी निकालता है, उतना सीएनजी नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से गाड़ी की पावर ड्रास्टिकली कम हो जाती है। तो अगर आप कोई एमपीवी चला रहे हैं, मान लीजिए अर्टिगा चला रहे हैं जो कि सीएनजी के साथ आती है, इसके अंदर आप पूरी क्षमता से लोग बिठा देंगे और फिर चलाने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं चढ़ाई के ऊपर चढ़ते वक्त आपको प्रॉब्लम महसूस होगी। गाड़ी अगर आप स्टैंड स्टिल से उठाने की कोशिश कर रहे हैं फर्स्ट गियर में, तो भी आपको ये महसूस होगा कि गाड़ी स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि टॉर्क जो है वो हमेशा से ही सीएनजी इंजन में, अगर आप सीएनजी के ऊपर चला रहे हैं, तो कम पड़ता आया हुआ है। हालांकि बीएचपीज़ में भी कमी नज़र आती है, जो कि डायरेक्टली आपकी स्पीड के ऊपर भी असर करती है। दूसरी बात ये है कि लॉन्ग रन में अगर आप सीएनजी गाड़ी चलाएंगे,
तो फिर इसका इंजन के ऊपर, उसकी लाइफ के ऊपर कहीं ना कहीं असर ज़रूर होगा, क्योंकि क्या है कि सीएनजी एक बहुत ज़्यादा ड्राई फ्यूल है, जिसकी वजह से इंजन के अंदर का जो ल्यूब्रिकेशन है वो कम हो जाता है। तो ज़्यादा बार अगर सीएनजी के ऊपर गाड़ी चल रही है, मैक्सिमम टाइम 80% टाइम ये गाड़ी सीएनजी पर चल रही है और केवल 20% टाइम्स ये पेट्रोल के ऊपर चल रही है, तो यहाँ पर इंजन के अंदर ल्यूब्रिकेशन ख़त्म होने की वजह से वेयर एंड टेयर ज़्यादा होता है इंजन का, जिसकी वजह से आपको स्पेयर पार्ट जो है वो ज़्यादा जल्दी जल्दी बदलने पड़ सकते हैं, उनकी लाइफ कम हो जाती है। साथ ही साथ इसकी वजह से रख रखाव का जो खर्चा है उसमें भी बढ़ोतरी आती है, और क्योंकि बार बार इसके पार्ट जो हैं वो अगर ख़राब होते रहे, उसको चेंज करना पड़ा, तो जाहिर सी बात है कि गाड़ी की इंजन का लाइफ कम हो जाएगा। तो जहाँ पर पेट्रोल की गाड़ी आपको तकरीबन 20 साल तक साथ दे सकती है, वहीं पर शायद सीएनजी की गाड़ी अगर ज़्यादा देर तक सीएनजी पर चलाई जाए तो 15 साल तक ही आपको साथ दे पाएगी, बाद में आपको उसको बेचना ही पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम सीएनजी के अंदर ज़रूर आपको देखने को मिलती है। और तो और, अगर आपका काम कुछ ऐसा है जहाँ पर कुछ हैवी सामान को आपको ढो करके लेके जाना है, ट्रांसपोर्ट का काम है, तो उसमें तो सीएनजी बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। गाड़ी के अंदर उतनी पावर जो है वो आपको महसूस नहीं होगी, और जहाँ पर भारी सामान ढोने की बात आती है तो गाड़ी के अंदर पावर होना बेहद ज़रूरी है। तो फिर इसी की वजह से लोग डीजल के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। तो डीजल के भी अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। मेरिट्स क्या हैं, जो कि वीडियो के पहले बात हुई, सस्ता है, माइलेज ज़्यादा है, तो पावर भी ज़्यादा है गाड़ी के अंदर, जिसकी वजह से कुछ हैवी सामान लाना और ले जाना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। लॉन्ग रन के लिए गाड़ी काफ़ी बेहतरीन है, माइलेज की वजह से पैसों की बचत हो जाती है। लेकिन कॉन्स क्या है कि एक तो हमारे इंडिया के अंदर जो है वो डीजल गाड़ियों के ऊपर जिस तरीके से नए नए नियम लागू हो रहे हैं या कुछ और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कानून लागू हो रहे हैं, उसे देखते हुए डीजल गाड़ियों का जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखाई नहीं देता है। दूसरी बात यह है कि डीजल फ्यूल जो है वो पर्यावरण को काफ़ी ज़्यादा नुकसान करता है, ये बात तो जाहिर सी है। और तीसरी बात यह है कि अभी उसके प्राइसेस जो है वो लगभग पेट्रोल के आसपास के ही हैं। और एक बात यहाँ पर यह आ जाती है कि डीजल गाड़ी आप अगर लेने जाएंगे तो पेट्रोल और सीएनजी गाड़ी के मुकाबले आपको ज़्यादा पैसे भी भरने पड़ते हैं शोरूम के अंदर भी। उन गाड़ियों की जो एक्स शोरूम प्राइस है वो भी ज़्यादा होती है, और आगे चलकर उसके ऊपर जो टैक्सेस लगते हैं वो भी पेट्रोल गाड़ी के मुकाबले, सीएनजी गाड़ी के मुकाबले ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से पैसे के मामले में अगर आप नई गाड़ी डीजल की खरीद रहे हैं तो ज़्यादा आपको पैसा देना पड़ेगा। इसके अलावा डीजल गाड़ी का प्रॉब्लम ये हो जाता है कि अगर आप उसको डेली रनिंग नहीं देंगे, या डेली में नहीं कहूँगा, अगर आपका उतना भी नहीं है, लेकिन अगर 2-3 दिन में, हर 2-3 दिन में अगर आप उसको गाड़ी नहीं चलाते हैं तो फिर ये आगे चलकर प्रॉब्लम ज़रूर देगा आपको, क्योंकि डीजल गाड़ी को रनिंग चाहिए। विदाउट रनिंग की अगर वो गाड़ी खड़ी रहेगी खाली दरवाजे पर, तो फिर ये आगे चलकर इंजन में ज़रूर प्रॉब्लम देने वाला है। कई सारे लोगों का ये एक्सपीरियंस रह चुका है कि उन्होंने डीजल गाड़ी रखी लेकिन उसका अगर उतना रनिंग नहीं है तो आगे चलकर उसमें बहुत प्रॉब्लम निकलने लगते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इसका ड्रॉबैक है। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि जो ट्रांसपोर्ट में गाड़ियाँ इस्तेमाल होती है उनके लिए काफ़ी बेहतरीन ये फ्यूल साबित होता है, क्योंकि इनका रनिंग भी डेली बहुत ज़्यादा होता है, माइलेज अच्छा दे देती है गाड़ी, पावर में कहीं भी कमी नहीं खलती है आपको, यहाँ पर टॉर्क भर भर के मिलता है आपको डीजल गाड़ियों में, जिसकी वजह से हैवी सामान लाने ले जाने में काफ़ी आसानी होती है। तो दोस्तों, इसका बेस लाइन क्या है? तो बेस लाइन ये है कि अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सिटी के अंदर ज़्यादा ड्राइव करना है, जो सिटी के बाहर नहीं जा रहे हैं, जिनकी गाड़ी छोटी है, जिनको ज़्यादा आउटडोर में नहीं जाना पड़ता है, ज़्यादा सामान नहीं ढोना पड़ता है, सीएनजी ज़रूर आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको गाड़ी ज़्यादा लॉन्ग रन में नहीं रखनी है, आप हर 5-6 साल में गाड़ी बदल रहे हैं, तो सीएनजी ज़रूर आपके लिए अच्छा ऑप्शन बन सकता है, काफ़ी सारे पैसे भी यहाँ पर आपके बच सकते हैं। वहीं पर जो लोग ट्रांसपोर्ट में हैं या जिनकी गाड़ी एज अ टैक्सी के तौर पर भी इस्तेमाल हो रही है लेकिन आउट स्टेशन भी जाती है, उनके लिए डीजल मैं कहूँगा एक अच्छा ऑप्शन ज़रूर बन सकता है, क्योंकि अवेलेबिलिटी अच्छी है, कीमत कम है और माइलेज भी अच्छा है, गाड़ी के अंदर पावर भी अच्छा है। तो दोस्तों, बस आज के वीडियो में इतना ही। आई होप मैंने आपको क्लियर कर दिया होगा कि कौन से लोगों को सीएनजी लेनी चाहिए और कौन से लोगों को डीजल गाड़ी लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके बताइएगा, और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया है ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। हम बहुत मेहनत करते हैं इन वीडियोस के पीछे, तो अगर आप लाइक करेंगे तो हमें भी आगे जाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। अगर आपको पसंद नहीं आया है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं,
लेकिन कुछ ना कुछ फीडबैक हमें ज़रूर दे दीजिएगा।